हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। हमारे किचन में आपका स्वागत है एक डिफरेंट रेसिपीज के साथ, जो हमारी गांव की रेसिपीज है, विलेज फूड है। और ये फूड हम लंच में बनाते हैं, गांव में बनता है। आज मैं पहली बार अपने बच्चों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इससे मेरी माँ की याद आती है। इस रेसिपी से मेरी मम्मी इसे बहुत ही टेस्टी बनाती थी, तो सोची मैं चलो मैं भी अपने बच्चों को वो ये रेसिपी बना कर खिलाऊँ। तो आज से मैं बच्चों के साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही इजी है और लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। और जनरली इसे हम राइस के साथ लेते हैं, और इसे आप ओनली ओनली सिर्फ ये भी खा सकती हैं, बट ये लंच का रेसिपी है, तो हम इसे राइस के साथ ही सर्व करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। इस रेसिपीज को बनाने के लिए हमने वन बॉल चने का सत्तू ली हुई हूँ मैं। और ये आपको मैं इससे पहले भी बताई हूँ कि ये चने से बनते हैं। चने को फ्राई करने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेते हैं तो सत्तू बन जाता है। एंड वन बॉल ये गेहूँ का आटा है, वन से थोड़ा कम है, क्योंकि हम इसमें सत्तू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और आटे का यूज थोड़ा सा कम करेंगे। और ये जिंजर गार्लिक छोटे छोटे पीसेज में मैं काट ली हूँ। एंड साथ में सॉल्ट है, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम। एंड मसालों में हमने सबसे पहले मैं हल्दी से लेती हूँ, हल्दी पाउडर ली हुई हूँ मैं। एंड ये थोड़ा सा अजवाइन ली हुई हूँ। एंड 1 चम्मच जीरा पाउडर, एंड 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, एंड 2 to 4 पिंच ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर। वैसे मैं यूज नहीं करती रेड चिली पाउडर, बट मैं थोड़ा सा इसमें यूज करूँगी, अदरवाइज मैं अवॉइड करती हूँ। एंड खड़े मसाला में मैं जीरा ली हूँ, खड़ा जीरा, 2 रेड चिली है खड़े, एंड थोड़े से ओरिगेनो हमने लिए हैं, ओरिगेनो। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेते हैं, और इस बॉल में हम सबसे पहले गेहूं का आटा डालते हैं। अगर इस गेहूं का आटा थोड़ा सा हम कम यूज करेंगे, बिकॉज इससे है कि गेहूं का आटा कम डालेंगे तो मैं जो ये बनाने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और थोड़ा सा क्वांटिटी हमने सत्तू की ज़्यादा ली है, क्योंकि उससे इससे सॉफ्टनेस ज़्यादा आता है। हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज है। इसे हम इसमें नो प्याज, नो टमाटर, कुछ भी हम यूज नहीं करते हैं। एज यूजल जैसे हमारे घर के मसाले होते हैं, हम उसमें ही इसे बना लेते हैं। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप उसके जगह पे इसे बना सकते हैं। गांव में इसे बेसिकली विलेज रेसिपीज है ये, और विलेज में इसे इसी तरह चावल के साथ, राइस के साथ लेते हैं, क्योंकि विलेज में वो सब्जी की स्कर्सिटी हो जाती है इस सीजन में। तो ज़्यादातर लोग लंच का जो टाइम होता है तो इस तरह बना लेते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले थोड़ी सी हम हल्दी मिलाएंगे, ये 2 पिंच के बराबर, 2 पिंच। एंड हम 2 to 3 पिंच अजवाइन को मिक्स करेंगे, क्योंकि अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि ऐसे भी रेनी सीजन में यूज करना चाहिए। एंड 1/2 टेबल स्पून हम जीरा पाउडर यूज करेंगे इसमें, एंड 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, एंड 2 पिंच ब्लैक पेपर, एंड थोड़े से रेड चिल्ली। रेड चिल्ली आप डाल सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आप जितना चाहती हैं, बट मैं रेड चिल्ली कम यूज करती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे लाइक नहीं करते और मैं भी रेड चिल्ली से अवॉइड करती हूँ, तो मैं 1 पिंच डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 पिंच भी डाल सकती हैं। एंड सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगी, तो हम 1/2 टी स्पून सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी रेसिपीज है जिसमें टाइम टेकिंग भी बहुत नहीं है, और आप इसे कम मसाले और कम तेल के साथ बना सकते हैं। और ये चावल के साथ ही खाया जाता है गांव में, इसे लंच के टाइम ही बनाते हैं, चावल के साथ लेते हैं। और इसके साथ आप
थोड़ी सी अगर आपके घर में सब्जी अवेलेबल है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज विदाउट सब्जी इसे लेते हैं क्योंकि ये ग्रेवी टाइप बनता है। तो अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते हैं। हमें एक के डो तैयार कर लेनी है इसकी। और इसमें हम इस हमारा ग्लास छोटा है, इस ग्लास से हमने 1 ग्लास पानी यूज किया हुआ है वाटर, और इस सारे को मैं मिक्स कर लूँगी। ऐसे तो इसे हम हाथ से ही मिक्स करते हैं बट इसे मैं स्पून की हेल्प से ही मिक्स कर लेती हूँ। और इसे हमें थोड़ी सी अच्छी तरह मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स ये मिक्स हो गया है पूरी तरह। इसके डो तैयार करने में इसमें ना तो हमें ऑयल डालने हैं, कुछ भी नहीं डालने हैं, ना हमें सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। वे ये ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आप कभी ट्राई करके देखना, आपको अगर बिलीव नहीं है तो। ये सिंपल तरीका है इसका। इसे हम सत्तू और आटे के साथ मिक्स कर देते हैं और इसमें सारे मसाले डाल देते हैं और इसे हम सिंपल पानी से, बस सिंपल ही से हम मिलाकर इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। और डो हमें इस फॉर्म में आने चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें इसे इस तरह का हमें बटर तैयार करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी थिकनेस इसकी हमें रखनी है और इसमें हमने कोई ऑयल यूज नहीं किया। ये हमें इसमें ऑयल नहीं डाली हूँ मैं, वैसे ही ये बटर सिंपली मैं तैयार की हूँ। और अब चलिए हम इसे आगे की प्रोसेसिंग पे ले चलते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन ली हूँ कढ़ाई, उसको मैं प्री हीट पहले से ही करके रखी हूँ और ये प्री हीट है। तो अब हम इसे मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और मैं सभी सब्जियाँ लगभग मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं बस हमने 2 टेबल स्पून यूज़ एक ही हूँ मैं तेल का। इसमें ज़्यादा तेल मसाले की ज़रूरत ही नहीं होती है। वेरी सिंपल एंड एकदम इजी बनने वाले रेसिपीज है हमारे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मसालों और तेल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ऑयल हीट हो गया है। अब हम इसमें जो मैं खड़े मसाले ली थी वो यूज करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये हींग का यूज करूंगी। हींग मैं दिखाना आपको भूल गई थी। तो लगभग 1 पिंच मैं हींग डालूंगी इसमें। उसके बाद हमने ये जो जीरा ली हुई थी मैं खड़ा, वो जीरा डालूंगी एंड रेड चिली, हम इसे पीसेज में डिवाइड करके डालते हैं। फ्रेंड्स इसे हम हल्का ब्राउन कर लेते हैं, जैसा कि रेड चिली थोड़ी सी पक जाने पे, ब्राउन हो जाने पे इसकी फ्लेवर ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये इस तरह हम इसका फ्लेवर ला रहे हैं। अब ये पूरी तरह तैयार है। अब हम इसमें बटर डालेंगे। और जब फ्रेंड्स ये हमारी सीक्रेट सी चीज़ है, हम जब हमारा ऑयल गर्म है और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो नेचुरली ये थोड़ा सा इधर उधर जाएगा पानी की वजह से। तो आसपास के जो हमारे दीवार है किचन के वो गंदे हो सकते हैं। इसके लिए हमने ऐसा ना हो तो उसके लिए हमने वो ये 1 पिंच हल्दी इसमें मैं डाल दी हूँ ताकि हमारे पानी इधर उधर पड़े ना। इससे आपकी पानी जब आप डालेंगे तो ये स्थिर ही रहेगा। और अब हम इसमें पानी डालते हैं। लगभग 2 ग्लास पानी मैं इसमें डालूंगी। टू एंड हाफ गिलास पानी मैं डालती हूँ अपने क्वांटिटी के अनुसार। और अब हम इसमें उबाल आने देते हैं।
फिर से आप देखिए ये पानी पूरी तरह उबल गया है, इसमें उबाल आ गए हैं और अब हम मैं ये जो हमारे डो थे इससे हम इसमें थोड़ा डालते हैं। तो हम सबसे पहले एक बॉल में पानी ले लेंगे और इस तरह से हम अपने हैंड को इसमें थोड़े से डुबो लेंगे और ये जो हमारे आटे का डो है सत्तू और आटे का, उसे हम इस तरह हाथ में थोड़े से लेंगे और इसमें इस तरह करके हम अपने फोल्ड चार जो हमारे उंगलियां हैं फिंगर्स हैं उससे हम इस तरह करेंगे आटे को, इससे हम आगे ले आएंगे और इस तरह हम इसमें बनाते जाएंगे, इस तरह करके इसे हम डालते जाएंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे जब तक पानी में उबाल नहीं आता आप इसे नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा और सारे पानी में मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो इस तरह करके हम सारे को शेप दे देते हैं। एज अ शेप आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं, बट जनरली ये विलेज की रेसिपी है तो विलेज में लोग लेडीज ऐसे ही बनाती हैं। तो इस तरह हम इसे डालते जाएंगे बनाते जाएंगे और विलेज में तो बहुत ही फास्ट बनाते हैं, क्योंकि मुझे उतना फास्ट बनाना आता नहीं है तो मैं थोड़ी सी स्लो हूँ दोस्त। और आप देख रहे हैं ये उबलकर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट इसे, इस तरह हमें सारे डो को इस फॉर्म में कर लेना है। हमने सारे को इस तरह के शेप दे दिए हैं और ये उबलने लगा है। ध्यान रहे इसकी हमें गैस का फ्लेम हमेशा ज़्यादा ही रखना है, हाई फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो ये पानी में घुलने लगेंगे। और ये थोड़े से हमने डो को बचा लिए हैं जो हम इससे पानी के साथ घोल कर यूज करेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी देते हैं और इसे हम घोल लेते हैं। फ्रेंड्स ना इसमें कोई दाल की ज़रूरत है, ना हम प्याज टमाटर का यूज करेंगे, सो सिंपल एंड इजी वे में आप बना सकती हैं इसे। और इसके इस तरह हमने घोल तैयार कर लिए हैं और अब पे जो हमारे मसाले बचे हुए हैं जो हम इसमें यूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमने ये बनाया है अब इसमें हम इस घोल को डाल देंगे ताकि थोड़े से इसमें मसाले का स्वाद आ जाए, अदरवाइज आप इसमें मसाला जितना कम यूज करें बस इतना ही मसाला यूज करें जितना मैं आपको बता रही हूँ। और इस घोल से यह थोड़ा सा ग्रेवी ना इसकी गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। मैं हाफ टेबल स्पून के करीब नमक का यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं, तब तक हम वेट करते हैं जब तक कि इसमें उबाल आए और गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है, लो पे इसे कभी नहीं बनाना। ये तैयार हो गया, इसमें उबाल आ गया है और इसे हम 2 to 4 मिनट्स के लिए हम इसे उबलने दिए हैं ताकि ये पूरी तरह पक जाए। और आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम सो सॉफ्ट। और इसके कलर एंड टेक्सचर से ये लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा बना है। एंड दिस वन इज आल्सो, तो आज की रेसिपी जो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसकी हम गार्निशिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने फूड पे गार्निशिंग नहीं करते हैं तो फूड देखने में अच्छा नहीं लगता है और खाने में वो उसका मज़ा भी नहीं आता। गार्निशिंग जब होती है तो फूड का फ्लेवर और टेक्सचर दोनों अच्छे हो जाते हैं और रंगत ही बदल जाती है हमारे फूड की। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह तैयार है और ग्रेवी हमें जैसा रखना है वैसा हो गया है। ये ग्रेवी ठंडी होने पे थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो हम चावल के साथ थोड़ी पतली ग्रेवी ही लेते हैं। हीट हमारी पैन हीट हो गया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी का यूज करेंगे और इसे हम मेल्ट होने देते हैं। ये हमने जो अदरक और लहसुन का जो हमने पीसेज में काट के मैं जो रखी थी उसे अब हम इसमें डालेंगे इस घी में और इसे हम ब्राउन कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये पूरी तरह अदरक और लहसुन के पीसेस जो हैं ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसमें 2 पिंच ऑरिगैनो का यूज करेंगे वो जो हम इससे मैगी डाल दे रही हूँ मैं। और ये छोटा सा हमारा तड़का टाइप तैयार हो गया है और अब इसे हम इस तड़के को हम इसमें डालेंगे। हमें बहुत ही सावधानी से डालना है क्योंकि ये हमेशा ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस तरह हम घी और अदरक और लहसुन के साथ तड़के लगाएंगे जो एक बहुत ही अच्छा स्वाद देता है इसमें। तो फाइनली हमारी ये रेसिपी आज की बनकर तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्विंग का तरीका आपको बता दें। अगर थोड़े से इसको अच्छा सा लुक देना है हमें तो हम इस तड़के का यूज करेंगे। ये काफ़ी अच्छा लुक भी देगा और हमें हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ा देगा। तो इस तरह इसे हमने इसमें तड़के का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट, और अब इसे हम सर्व करने जा रहे हैं। इसे आप एक बॉल में इस तरह भी सर्व करके ओनली ये भी खा सकते हैं। जैसे देखिए, ये जैसे मैं आपको खा कर दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी भी बना हुआ है। मतलब मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि ऑल ओवर ये बहुत ही बढ़िया बना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपीज विलेज फूड पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को एंड टू स्टार्ट जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे यूट्यूबर दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो भी जरूर देखें एंड लाइक एंड कमेंट्स जरूर दें। अपना फीडबैक आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। आई एम वेटिंग योर फीडबैक। तो इस तरह हमारी विलेज फूड प्रॉपरली बनकर तैयार है, प्रॉपर एंड परफेक्ट फिर यमी टेस्ट।